Bye. असलम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग कैसे हैं आप सब लोग होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे मैं भी अलहमदुल्ल ठीक हूँ और यहाँ पर हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था तो उनकी बहू ने ही मुझे मेहंदी लगाई थी और बड़ी ही प्यारी मेहंदी उन्होंने मुझे लगाई थी बहुत प्यारा डिज़ाइन था बंच बना हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था तो यहाँ पर मैं बना रही थी मैगी और यशपा आके कह रही थी कि मम्मा मैगी जो है ना मैं बनाऊँगी और मैं डालूँगी इसमें तो मैंने कहा कि आपका हाथ जल जाएगा लेकिन फिर भी जो है मान नहीं रही थी तो बस मैंने फिर इसको थोड़ा सा करने दिया तो ये देखें अभी किस तरह से ये करेगी तो और ना ये क्या करती है कि इसको कच्ची भी खानी होती है उसमें से आवाज़ आती है ना तो इसको बड़ी अच्छी लगती है कच्ची भी खाती है अभी भी खा रही है आपको नजर आ रहा होगा तो बस अभी यहाँ पर मैंने उसके हाथ से फिर ले ली थी और फिर मैंने ही बनाया था अच्छा बच्चों को ना ये होता है कि जो काम अम्मा करिए ना वो काम हमें करना है ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ होती हैं ना उनका और जब मैं भी छोटी थी ना तो बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि मुझे ये काम करना है अक्सर मैं रोटी भी बना रही होती हूँ ना तो बेलने का जब मैं रोटियाँ बेलती हूँ ना तो भी आकर कहती है कि मुझे ममा ये काम करना है तो बस जो काम उससे मैं करवा सकती हूँ वो मैं करवा लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना वो वही जो देखती है ना तो फिर वही उसको फॉलो करती हैं और यहीं से जो है ना उनकी आदत जो है बनती जाती है तो हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए दे देना चाहिए थोड़ा ख़राब करें या जो भी करें लेकिन उनको थोड़ा सा करने दें फिर भले बाद में उनसे वो चीज़ ले लें यहाँ मैगी बन गई थी मैगी दे दूँगी और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ तो रोटियां बना लेते हैं जी और आप लोग सुनाएँ कि आप लोगों की तरफ़ का वेदर कैसा है और सर्दियों में क्या रूटीन चल रही है क्या क्या खा, खाना पक रहा है आप लोगों के घर मज़े मज़े के सर्दियों के जो खाने होते हैं वो पक रहे हैं कि नहीं पक रहे है? और क्या रूटीन है आप लोगों की सर्दियों में ना अभी तो कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई है लेकिन यह है कि आ गई है विंटर जो है आ चुकी हैं तो अरे यहाँ पर ना रात का वक्त था और ना मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे गोली गप्पे खाने का दिल करा है तो उन्होंने ना भाई के घर घर में ही मैं मंगवा देता तो, हूँ वहाँ जाते नहीं हैं तो मैंने कहा चले ठीक है और फिर यहाँ मैंने हस्बैंड ने मंगा के दे दिए थे मुझे और बस आ, मैंने अभी खाना ही खाया था मगर गोलगप्पे जो है ना मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ और ना आ, तो बस मैंने कहा कि गोलगप्पे तो मुझे खाने ही खाने हैं मैं बहुत ज़्यादा गोल गप्पा लवरूँ हूँ तो बस और और साथ साथ मेरी बेटी भी है मेरे साथ साथ ना मगर वो बिल्कुल ऐसा इसमें कुछ डाल के नहीं खाती वो ऐसे बिल्कुल सादा सा खाती है और अभी तो वो सो गई थी लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए रख दिए थे तो जी यहाँ पर मैंने ना गोलगप्पे बना रही थी फिर हस्बैंड आ गए थे तो कहने लगे कि अच्छा चलो मैं बनाता हूँ गोलगप्पे और वो इस तरह के काम ना बहुत शौक से करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कितना मज़े का मज़ेदार सा पानी था खट्टा और इसके बगैर गोलगप्पे जो है अनकम्प्लीट होते हैं फिर हस्बैंड आ गए थे फिर उन्होंने कहा कि तुम वीडियो बना लो मैं करता हूँ तो फिर मैं उनकी वीडियो बना रही थी और वो जो है इसके अंदर सारी जो इसमें चीज़ें होती हैं जिसमें आलू छोले और वो प्याज वग़ैरह मसाला चाट मसाला डाल के जो एक बना हुआ होता है वो डाल रहे थे इसके अंदर और फिर इसके साथ एक मिलती है इमली खजूर की चटनी और साथ में दही देते हैं और ये चटनी तो मैं मुझे इतनी पसंद है ना इसके बगैर ना मुझे गोलगप्पू का कोई मज़ा नहीं आता सारा मज़ा इस चटनी का होता है तो जी ये थी इसकी फाइनल लुक और बस अभी हम जो है सब बैठ के खा लेंगे तो ये था तकरीबन रात का वक्त था ये और बस हमने खा लिया था और फिर उसके बाद ही ना मेरे हस्बैंड को ना मैं कब से कह रही थी कि हमारा चूल्हा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आग छोड़ रही हूँ सॉरी काला कर रहा है बर्तन काले कर रहा है ना बहुत ज़्यादा <laughs> यशफा मेरे पास ही खड़ी हुई है तो बस यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काले का रहता तो मैंने कहा कि हस्बैंड से ना काफ़ी दिन से मैंने से थी कि मुझे ना इसको ठीक कर दें इसको साफ़ कर दें क्या पता अंदर कोई कचरा फंसा हुआ हो नोज़ल वगैरह में तो आप ठीक कर दें इसको तो उनका रह ही जाता था ना कोई ना कोई भूल जाते थे या दिन में तो वैसे चूल्हे का काम होता रहता था तो अभी रात का वक्त है ये और अभी मैं आपको टाइम चेक करवाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा था जब हस्बैंड लेकर बैठे थे ये काम करने और इसके अंदर से फिर उन्होंने उसकी सफ़ाई की पूरा खोल कर और इतना कचरा निकला था इसके अंदर ब्लैक ब्लैक सा ना तो ये देखें अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ तो जनाब ये हो रहा था टाइम और एक बजने में बीस मिनट बाकी थे तो इस टाइम पे हस्बैंड जो है बैठ गए थे लेकर और ये एक सारा कचरा निकला था इसके अंदर से फिर मैंने पूरा इसको वॉश किया था और ऊपर वाला हिस्सा भी और अंदर वाला भी फिर उन्होंने इसको फिट वग़ैरह कर दिया था और फिर जब मैंने चूल्हा ऑन किया ना तो फिर बिल्कुल वो सही था कोई बिल्कुल कालक नहीं छोड़ता था वरना तो इतना ज़्यादा कालक छोड़ने लगे थे ना कि बर्तन इतने गंदे होते थे इतनी मुश्किलों से साफ़ होते थे तो मुझे बड़ी टेंशन थी इस बात की तो उन्होंने बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व की कि मेरा चूल्हा ठीक कर दिया अच्छा फिर ये नेक्स्ट डे सुबह का वक्त ऑलमोस्ट था तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी अंडे पराठे बनाए थे मैंने अच्छा जी तो बस यहाँ पर अंडे पराठे खाएंगे और आजकल तो अंडा मैं सोचती हूँ लाजमी खुद भी खाऊँ और बच्चों को भी दूँ यशवा यहाँ पे खड़े होकर शोर मचा रही है आप लोगों को अगर कोई वॉइस ओवर में परेशानी हो रही हो तो समझ कि पीछे मेरे यशवा ही है अच्छा फिर यहाँ चाय बना रही हूँ मैं और तो जी चाय बना बन रही है यहाँ पर और चाय मैं ना पत्ती में जब डाल दूँ थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए ना तो इस तरह से कलर बहुत अच्छा आता है इसका तो बस चाय रखेंगे चाय वाय पियेंगे और इतनी देर में आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर दें वीडियो को भी और जो है प्यारा सा कमेंट करके अपनी मौजूदगी का इजहार करें अपनी राय का इजहार करें और मुझे आपके कमेंट्स पर कर बहुत खुशी होती है तो प्लीज़ कमेंट लाजमी कर दिया करें और मेरे साथ जुड़े रहें तो बस यहाँ पर चाय शाये बन रही है और चाय निकालूँगी उसके बाद जीनम यहाँ पर बैठी हुई हैं जी के किसवा और मैं इनकी वीडियो बना रही थी मैंने इसको ये कपड़े पहना तो दिए थे मगर ये इतने ज़्यादा गर्म अभी कराची में इतनी सर्दी नहीं आई ना तो इसको पसीना आना शुरू हो गया था मैंने फिर वापस इसका ये जो अपर था ना वो तो उतार दिया था तो बाकी का रहने दिया था आज यहाँ मैं बना रही थी आलू की तहरी और आलू की तहरी बनाऊँगी मैं यशवा बहुत ज़्यादा शोर करने लगी थी तो मैंने उसको कहा कि आज जो हो है ममा वॉइस ओवर कर रही हैं तो बस अभी वो जो है उधर चली गई है अच्छा तो यहाँ मैं बना रही थी आलू की तहारी और यहाँ जो है ना दॐ, मैंने कहा कि थोड़ी सी आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज प्याज के बाद लहसुन अदरक पेस्ट और हरी मिर्चों को मैंने एक साथ ही पीस लिया था ग्राइंड कर लिया था और वो भी डाल दिया था फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर और बिरयानी मसाला भी डाला था मैंने इसके अंदर और फिर कोई मसाला नहीं डाला था क्योंकि बिरयानी मसाला डाल दिया था तो फिर मैंने कोई मसाला नहीं डाला बस लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था और हाँ मैंने चिकन क्यूब्स भी डाले थे ये करके मैंने इसको भून लिया था आलुओं के साथ आलू के साथ भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और फिर पानी डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और लेमन को भी कट कट के जो है डाल दिया था साथ ही ना मुझे ये हरी मिर्ची की ना इसकी जो डंडी होती है ना वो तोड़ के मैं रखती हूँ तो हरी मिर्चें खराब नहीं होती बिल्कुल सही रहती हैं यहाँ ये रखूँगी और बाकी चीज़ें समेट लूँगी सैलड के लिए चीज़ें निकाल ली थी मैंने और कचूम और सैलड बना लिया था बस और उसमें मैंने बस लेमन स्क्विज किया था दर्ड सेट और धारा धनिया ऊपर से डाल दिया था बस हमारा ये कोचू मर सैलेड भी रेडी हो गया था इतनी देर में चावलों में भी अब उबाल आ गया था मतलब कि आलू गल गए थे तो बस हम चावल डाल दूँगी फिर चावल जब तक के ये होंगे ना तब तक के मैं क्या करूँगी कि मैं अपने जो है बर्तन समेट लूँगी जो भी बर्तन खाने पीने के उतरते हैं ना साथ साथ वॉश करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा आपको इजी हो जाता है जब आप किचन से फिर निकलते हो ना तो आपका किचन ऑलरेडी साफ़ होता है और आपके सारे किचन वाले काम जो है वो फिनिश हुए हुए होते हैं तो साथ साथ ये काम चलता रहेगा साथ साथ चावलों में दम और इसी तरह से मैं करती हूँ हमेशा तो इस तरह से जो है मुझे बहुत आसानी हो जाती है और किचन भी क्लीन होता है और जब मैं खाना बना के निकलती हूँ तो दोनों काम हुए हुए होते हैं दिए थे इसके फ़ाइनल लुक और बस मैंने गरम, गरम निकाल लिए हैं खाने के लिए क्योंकि चावल जो है वो गरम-गरम ही खाने अच्छे लगते हैं तो बस जी ये था मेरा आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो मैंने आपको ये रिमाइंडर कराया था वो कर दीजिएगा मतलब कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और बस यही कहना था आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जी हाफिज़